अस्सलाम वालेकुम अम्मी के खानों में आपकी अम्मी एक दफा फिर आपके लिए बहुत मजे के डिश लेके आई है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज राइस। बहुत मजे के बनते हैं, सिंपल सी डिश है और बहुत वेजिटेबल्स से भरपूर और बड़े जायकेदार। तकरीबन आधा किलो चावलों को मैंने धो दिया था और फिर उनको मैंने स्टीम रख लिया। उसके बाद मैंने गाजरें ली हैं, जूलियन कटिंग मैंने कर ली है, बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, जूलियन कटिंग ली है, प्याज ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और साथ मैंने चिकन उबालने के लिए रखा हुआ है। वो चिकन अभी उबल जाएगा। पैन रख दिया मैंने, चूल्हा हल्का सा जला दिया और उसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डलेगा ऑयल। और उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी दो अंडे फेंटे, फिटे हुए ना भी हों तो। अंडों को मैंने ऐसे डाल दिया है, ये इसी में ही फिट जाएंगे। ये इसमें ही मैंने इन्हें तोड़ के ये हो गया। इनको हल्का करना, सौते से करना और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देनी है प्याज। मैंने एक दरमियानी साइज की प्याज ली थी, उसे जूलियन कटिंग की थी। अब उसके बाद मैंने डालनी है गाजर। आप ये देखते जाएं कि मैंने किस हिसाब से चीजें डाल दी हूँ, क्योंकि गाजरों को थोड़ा सा सेक ज्यादा चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, सेक थोड़ा सा इसमें लगेगा। एक प्याली भर के मैं मकई डाल रही हूँ। ये मकई डाल दिया मैंने। इसे बड़े मजे के लगते हैं वेजिटेबल राइस। आप लोगों की मर्जी, आप डालना चाहें डालें, आप नहीं डालना चाहते तो आप लोग ना डालें। ये मैंने थोड़े से मटर डाल दिए, ये थोड़े सी गाजरें हैं, ये थोड़ी सी चली जाएंगी। ये इस तरह चावल ना बड़े खिले खिले और बड़े खूबसूरत बनते हैं। ये मैंने डाल दिए तकरीबन ये आधी प्याली जितने। ये है सब्जियाँ, ये चली गई मेरी। ये हो गया, क्योंकि गाजरों को ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है नरम होने के लिए, तो इसमें मैंने सबसे पहले प्याज के बाद अंडा और प्याज डालने के बाद मैंने गाजरें डाल दी ताकि वो ज़रा जल्दी से वो हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस। ये तकरीबन मैंने दो ढक्कन जितना मैंने डाला है इसमें सोया सॉस। मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना सब्जियों को, चूल्हा मैंने तेज किया हुआ है। अब उसके बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया मसाले। थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक। चावलों में भी मैंने नमक डाल के उबाला था, इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी वरना नमक तेज़ हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने चिकन में भी नमक डाल के उबाला था। और चाइनीज नमक आपको पता है आजकल बैन है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नुकसानदेह है। आधा चम्मच मैं डालूंगी काली मिर्च। अभी से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ा मज़े का रूमा उठ रहा है। बस ये तकरीबन खुश्क होने वाला हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, पहले डालूंगी बंद गोभी थोड़ी सी। बंद गोभी को ज़्यादा देर मैंने नहीं कुक करना, क्योंकि बंद गोभी फौरन ही अपना पानी छोड़ देती है और एकदम से ये वो हो जाती है। ये मैंने शिमला मिर्च साथ डाल दी और ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने काटी हुई थी, थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैं डाल दूंगी। एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली थी वो मैंने डाल दी है। अच्छा, ये चिकन मैंने उबाल के और इसको मैंने जरा थोड़ा सा बहुत बारीक रेशा नहीं किया, जरा उसको मैंने गोटी को एक एक गोटी को हाफ अप कर दिया। अब ये मैंने डाल के इसको थोड़ा सा दो चम्मच चलाऊंगी ताकि चिकन की भी अच्छी भुनाई हो जाए। बस चले जी, ये हो गया मेरे चावल। अब मैं इनको रखूंगी दम पे। चावलों को मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। ये मैंने दो कप चावल जो है वो मैंने
भिगो के और उनको मैंने स्टीम कर लिया था, जैसे आप अपने घर में अक्सर करते होते हैं। बाद इसको मैं दम पे रखूंगी, नीचे रखूंगी तवा, ताकि वो बहुत अच्छे से दम पे चावल जो हैं मेरे मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। और स्टीम राइस की मैंने आपको रेसिपी दी हुई है मेरे, आप वो वीडियो लिंक पे जाके यूट्यूब पे जाके वो देख सकते हैं। देख रहे हैं आप किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत खिले खिले चावल बन रहे हैं, और यही इनकी खूबसूरती है। हो गए मिक्स, हो गए चावल, मसाला सारा इसके अंदर हो गया सारा। अब मैं इसको दम पे रखूंगी, नीचे रखूंगी तवा, और फिर उसके बाद मैं इसको रखती हूँ दम पे। छः मिनट का दम हो चुका है, अब मैं आपके सामने ये दम खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे चावल जो है ना वो दम आ चुके हैं चावलों को। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और ये देखें खिले खिले चावल बेहतरीन दम से आ चुका है चावलों को दम। दम में जिस तरह बेहतरीन चावल गलता है ना, इस तरह किसी चीज़ में नहीं गलता। तो ये चावल देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से दम आ गए हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। और ये देखें किस तरह माशाल्लाह से खुश शक्ल चावल बने हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।